आदरणीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह जी तथा उनके सभी सहयोगी पदाधिकारी, मेरी तरफ से यहाँ पर के रूप में रेल मंडल यूजर्स कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में सहयोग कर रहे श्री अनिल तिवारी, 7 साल से ज्यादा 21वां वर्ष से चल रहा है और नवरात्र के प्रथम दिन ही आज उनके 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 7 अक्टूबर को उनके बधाई अभिनंदन, और अभी अनंत काल तक उन्हें ईश्वर ने स्वस्थ रखे और अनंत काल तक उनका मार्गदर्शन हम सबको देश को दुनिया को मिलता रहे, इस कामना के साथ। मैं जो बता रहा था कि हमारे मीडिया के लोग चंदौली की मीडिया और आज देश को चला रहे हैं, और मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले 7 अक्टूबर 2001 से जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अटल जी ने जो और देश के गुजरात वासियों ने, गुजरात की जनता ने, वहाँ के विधानमंडल ने, आडवाणी जी, अटल जी पार्टी नेतृत्व ने जो एक दायित्व दिया औपचारिक जीवन से, संगठन के जीवन से निकल करके, जब माननीय मोदी जी ने वहाँ भैया जरा नाश्ते को आप लेके सुने, जो कुछ भी हुआ अब तक जो कुछ हो रहा है, तमाम विपक्षी दल वहां जा रहे हैं, इस पर क्या? विपक्ष दल के लोगों को अकारण राजनीति की रोटी सेकने के लिए एक ऐसे मुद्दे जिस पर समाधान हो चुका है उसे गलत तर्क देने की कोशिश से नहीं करना चाहिए, देश की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित में। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों और अन्य जो भी वहाँ प्रभावित हुए उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से, उनके परिवारों से संवाद स्थापित करके जितना तत्परता से कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, और सम्यक समाधान उन्होंने किया है, और अब उसमें परिवारी जन स्वयं संतुष्ट हो रहे हैं। लखीमपुर बहराइच से जुड़ी एक महिला का तो कल बयान हमने सुना, उसका बयान था कि राजनीतिक दल मेरे लास्ट पर मेरे घर पर राजनीतिक रोटी दे सके, हम सब उत्तर प्रदेश के सरकार के कदमों से संतुष्ट हैं। ये मैं चाहता हूं कि ये भाव सब लोग लें। प्रियंका गांधी ने कहा है कि न्याय तभी हो पाएगा जब तक अजय मिश्रा जो है रिजाइन नहीं करेंगे, रिजाइन की डिमांड कर रही हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। मैंने कहा ना कि इसमें जितनी तत्परता से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आवश्यक जो कदम थे वो सब उठाए गए हैं, अन्य विषय उठाने का कोई प्रसंग नहीं।